हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 के बारे में बताऊंगा कि है कितने प्राइस पर आता है और क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है और इसके साथ ही सैमसंग गैलेक्सी M32 5G कब तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, सब कुछ इस फोन के बारे में जानने को मिलेगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M32 5G की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 पर आता है। यह स्मार्टफोन नए प्रोसेसर के साथ यानी कि डायमेंसिटी 720 के साथ लॉन्च होगा। इसके साथ ही इसके अंदर 7nm का फैब्रिकेशन देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसको आप 1TB तक बढ़ा सकते हो। और बात इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की करें तो यह एंड्रॉइड 11 पर आता है और सैमसंग का कस्टम UI यानी कि सैमसंग 1 UI देखने को मिलता है। दोस्तों, देखते हैं अब यह प्रोसेसर कितना कामयाब होता है गेमिंग के मामले में। अब दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है और यह डिस्प्ले बेजल लेस विद नॉच देखने को मिलती है। काफी ब्राइट डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलती है। यह तो इसकी डिस्प्ले की बात हुई, अब इसके कैमरा की तरफ चले तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 48MP का वाइड एंगल कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का मैक्रो कैमरा, 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। साथ ही यह LED फ्लैश के साथ आता है और फ्रंट कैमरा 13MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है जिससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कैमरा भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। कैमरा के बाद इसकी बैटरी देखें तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग को यह सपोर्ट करता है USB टाइप सी के साथ। दोस्तों, अब इसके डिजाइन की बात करें तो इसकी हाइट 164mm देखने को मिलती है, इसकी वेथ 76mm देखने को मिलती है, थिकनेस 9.1mm देखने को मिलती है, वेट इसके अंदर 205g है और यह 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, ऑसम ब्लैक और ऑसम ब्लू। दोस्तों, इसके मल्टीमीडिया और नेटवर्क की बात करें तो ड्यूल सिम यह स्मार्टफोन आता है और यह स्मार्टफोन 5G को भी सपोर्ट करता है। साथ ही मल्टीमीडिया को देखें तो 3.5mm जैक देखने को मिलता है और डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, हालांकि यह अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स आएंगे या नहीं। दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह स्मार्टफोन 24 या फिर 25,000 रुपए के आसपास आ सकता है। और बात रही इसके इंडिया में लॉन्चिंग डेट की तो यह आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सैमसंग की तरफ से आने वाला यह स्मार्टफोन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि सभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं।